सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनामिक लिंक को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ होता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायनामिक लिंक होती क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम में आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर जो बायो होता है, बायो में आप कोई भी वेबसाइट का लिंक या फिर YouTube चैनल हो गया उनका लिंक आप ऐड करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं youtube.com/vijayraj tag। तो गाइज ये डायनामिक लिंक नहीं है। अगर आप इसे ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ है गाइज ये Instagram का YouTube पेज है। तो गाइज यहाँ पर कोई भी अगर इस लिंक पे क्लिक करता है तो यहाँ पर आ जाएगा Instagram के YouTube पेज पर। सो गाइज यहाँ पर अगर हम क्लिक करते तो यहाँ से आपका जो वीडियो है चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है गाइज कि यहाँ पर जो यूज़र यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पे ये लाइक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे साइन इन करने के लिए पूछा जाएगा और गाइज उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो साइन इन करके यहाँ पर लाइक करें और कमेंट करें या फिर शेयर करें। तो यहाँ पर वो साइन इन नहीं करेगा और आपका जो ये वीडियो है वीडियो देखकर यहाँ से बैक कर देगा। तो ये गाइज ये नॉर्मल लिंक है YouTube चैनल की। गाइज अगर यहीं पर आप अपनी डायनामिक लिंक को ऐड करते हैं तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं डायनामिक लिंक को ऐड करके। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ये लिंक है गाइज यहाँ पर मैंने डायनामिक लिंक जो है अपनी यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप डायनामिक लिंक आ चुकी है। अब मैं इस डायनामिक लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा चैनल है आ चुका है। अगर कोई यूज़र गाइज इस लिंक के थ्रू यहाँ पर आता है तो यहाँ से वो डायरेक्टली सब्सक्राइब भी कर सकता है, बेल आइकन को भी दबा सकता है और साथ ही साथ आपके कोई भी वीडियोज़ को वॉच भी कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पे चालू हो चुका है और साथ ही साथ गाइज यहाँ पर लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं और चाहे तो कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो कमेंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर, तो ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं गाइज। तो ये होता है गाइज डायनामिक लिंक का बेनिफिट। डायनामिक लिंक को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिना स्कीप की आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कैसे इसे क्रिएट करना है। सो गाइज फर्स्टली आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो गाइज आपको 3 डॉट पे क्लिक करके उसे डेस्कटॉप वर्जन पे इनेबल कर लेना है, फिर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सो गाइज उसके बाद आपको सिंपली सर्च बार में आपको टाइप करना है फायरबेस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरबेस, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फायरबेस का। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है और यहाँ पर गाइज आपको अपना जो प्रोजेक्ट है उसका नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नेम लाइक यहाँ पे मैं विजय राज टैग यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। देन गाइज आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट दी फायरबेस टर्म पे क्लिक करके ओके कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिए हुए हैं इन पर टिक करके यहाँ पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है क्रिएट होने लगा है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, सिंपली यहाँ पर उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद गाइस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, सभी मेन चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रो का, उस पर क्लिक करना है और आप नीचे स्क्रॉल करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायनामिक लिंक्स का एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है डायनामिक लिंक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड यूआरएल प्रीफिक्स,
तो यहाँ पे आपको URL टाइप करना है, लाइक आप जो भी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं विजय राज टैग यह टाइप कर लेता हूँ। जो आप टाइप करेंगे वो अवेलेबल होना चाहिए, तो आप कुछ यूनिक नेम यहाँ पर टाइप करें गाइस। तो यहाँ पर ये नेम जो है अवेलेबल है, तो हम सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं विजय राज टैग, और ये यहाँ पर जो वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर यूज़, तो यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ऐसे फिनिश पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू डायनामिक लिंक, यह ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JDF1, तो आप अपना जो लिंक है उसके बाद अगर स्लैश के बाद यहाँ पर कुछ लगाना चाहते हैं लाइक 07 या फिर कुछ अपना नाम टाइप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या टाइप करना चाह रहे हैं, चाहे तो आप इसे वैसे का वैसा ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पे 07 टाइप कर लेता हूँ गाइस। टाइप करने के बाद आपको फिल करने के बाद गाइस सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लिंक प्रीव्यू के नीचे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सेकंड ऑप्शन है आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पे पूछा जाएगा गाइस लिंक और URL का, तो यहाँ पर आपको फिल करना है जिस भी वीडियो या फिर जिस भी आपका कोई यूट्यूब चैनल है उसका लिंक अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उस लिंक का प्रोफाइल का आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। गाइस यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल का लिंक आप देख सकते हैं, इसे सिंपली मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सेकेंड में डायनामिक लिंक का नेम आपको टाइप कर लेना है, तो मैं यहाँ पर नेम टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर ओपन डीप लिंक URL इन ब्राउज़र पे टिक रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपको टिक रहने देना है और नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर गाइस स्किप दिस ऐप प्रीव्यू पेज, इस चेकबॉक्स में आपको टिक लगा लेना है और यहाँ पे सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे फाइनली गाइज आपकी जो डायनामिक लिंक है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लिंक को सिंपली हम कॉपी URL कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो लिंक है कॉपी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं इंस्टाग्राम में जाके। सो गाइज यहाँ पर मैं अपनी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक आपको पुरानी वाली आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सिंपली इसे एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो ये लिंक है इसे सिंपली पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये गाइज डायनामिक लिंक कुछ इस तरीके से काम करती है। आई होप गाइज ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी डायनामिक लिंक बना सकते हैं और उसका यूज़ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार इसे लाइक करें, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी होती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज लाते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।